स्टूडेंट्स, आज हम इंश्योरेंस क्लेम के बारे में सीखेंगे। इंश्योरेंस क्लेम क्या नाम है, स्टॉक के और लॉस ऑफ प्रॉफिट्स के अंतर्गत की कैलकुलेट किया जाता है। इंश्योरेंस क्लेम के बारे में के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि जब आपका एक क्वेश्चंस के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन वन ईयर की दे रखी है या फिर टू या मोर ईयर की इन्फॉर्मेशन गिविंग हुई है, गिवन है। अगर एक साल की इन्फॉर्मेशन गिविंग है, वन ईयर की इन्फॉर्मेशन गिविंग है इन द क्वेश्चन, तो फिर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जिस साल फायर रिकॉर्ड होती है उस साल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाया जाता है। क्लियर? और अगर अब टू और मोर ईयर ऑफ इन्फॉर्मेशन गिविंग है, अगर दो से ज़्यादा समय तक की इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिविंग है, तो हमें एक सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेकिंग करेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग फायर रिकॉर्ड वाले ईयर के समय पर ही बनाया जाता है। क्लियर? इसके बाद कुछ फॉर्मेट्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, जो कि बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप के अंतर्गत पढ़ा था। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, रिटर्न, ड्राइंग्स, अगर किसी प्रोप्राइटर ने उसमें से ड्राइंग किया हुआ है तो गुड्स का ड्राइंग किया तो परचेज में से डिडक्ट कर देते हैं, फिर वेजेस, फिर कैश इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, फिर सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक, उस समय क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के केस में, और फिर अगर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कम लगाएंगे और जो है डेबिट से डिडक्ट करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो हम रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करते हैं। उस केस में हम लोग रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ये रेट ऑफ जीपी जो है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के समय पर काम आएगा हमारा, कि लास्ट ईयर के जो सेम पीरियड के अंतर्गत हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या था, रेट ऑफ जीपी लास्ट ईयर क्या था जिस साल फायर। ठीक है, अब जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिस साल फायर रिकॉर्ड होती है उस साल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, सॉरी ओपनिंग स्टॉक में फिर वही सेम एज फॉर्मेट वही रहेगा एज इट इज़, बस इसके अंतर्गत ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ सेल के ऊपर, सेल इनटू रेट अपॉन जीपी, सेल इनटू रेट अपॉन जीपी, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल इंटू रेट अपॉन 100, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होगी, क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर हमारी क्वेश्चंस की बैलेंसिंग फिगर होगी, इसी के ऊपर अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट किया जाता है। अब हम अमाउंट ऑफ क्लेम के बारे में सीखेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम जो है अमाउंट ऑफ पॉलिसी अगर डज नॉट गिविंग है, पॉलिसी की अमाउंट अगर क्वेश्चन में नहीं गिविंग है या नहीं गिविंग है, अगर गिविंग है पॉलिसी की अमाउंट क्वेश्चन के अंतर्गत, तो फिर हम जो है क्या नाम है क्लोजिंग स्टॉक में से साल्वेज वैल्यू, यानी कि जो स्टॉक हमने बचा लिया है उसको माइनस करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम सीधे कैलकुलेट कर दिया जाता है। इसमें कोई अगर एक्सपेंसेस अगर कर दिए गए हैं तो वो भी प्लस कर दिए जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विश एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं फायर एक्सटिंग्विश एक्सपेंसेस, तो वो भी प्लस कर दिए जाएंगे अमाउंट ऑफ क्लेम के तहत। पॉलिसी की अमाउंट अगर क्वेश्चन में गिविंग है, अगर पॉलिसी की अमाउंट गिविंग है तो हम इसे कहते हैं एवरेज क्लॉज मैथड। क्या कहते हैं? एवरेज क्लॉज मैथड। इस क्लॉज मैथड के तहत हमें पॉलिसी की अमाउंट क्वेश्चन में ऑलवेज गिविंग होती है, और फिर हम क्लोजिंग स्टॉक में से साल्वेज वैल्यू माइनस करेंगे, एक्चुअल लॉस निकल के आएगा। क्या चीज आएगा? एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस को हम एक्चुअल लॉस से हम लोग अमाउंट ऑफ क्लेम को कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल लॉस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, एक्चुअल लॉस जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, अपॉन क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, इससे अमाउंट ऑफ क्लेम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। अ फायर अकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ ट्रेडर 31 अक्टूबर 2007 एंड अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सेड वॉज रुपी 13,500।
the books of account disclosed that on April 1, 2017, the stock was valued at Rs. 60,000. The purchase to the date of fire amounted to Rs. 1,03,500 and sale to Rs. 1,53,000. On investigation, it was found that during the past 5 years, the average gross profit on sale is 30% rate of GP हमें giving है. सिर्फ हमें इसमें memorandum trading account बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें only 1 year के हमें data giving है. Prepare statement, claim or submission to the insurance company. अब देखिए, सबसे पहले हम लोग calculate लिखेंगे to opening stock ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चंस में गिविंग है 60,000 का. फिर हम लिखेंगे परचेज आ गया 1,03,500 बाय सेल. अब सेल्स लिखेंगे 1,53,000. उसके बाद हमारा रेट ऑफ जीपी क्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिविंग है 1,53,000. जो सेल हमें दे रखी है 1,53,000 का 30% 1,53,000 का 30% यानी कि 45,900 रुपीज़ हमारा क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. सबसे पहले हम लोग इसका डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे. टू लैख नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड इधर भी बेटा 209,400 आ जाएगा. इसमें से 1,53,000 अगर हम डिडक्ट करते हैं तो 56,400 का क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर आ गया. इसमें अमाउंट ऑफ पॉलिसी में गिविंग नहीं है, सिर्फ साल्वेज वैल्यू दे रखी है 13,500. तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट होगा हमारा. अमाउंट ऑफ क्लेम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर इसमें से लेस करते हैं हम साल्वेज वैल्यू को हम लोग डिडक्ट करते हैं जो दे रखी 13,500 रुपीज़ की. ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम. आ गया हमारा. हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमें टू ईयर्स की हमें इन्फॉर्मेशन गिविंग हो. द फायर अकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ मेसर्स हीरा लाल ऑन 15 नवंबर 2010. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिविंग है, हम लोगों को स्टॉक ओपनिंग दे रखा है 34,000. तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक हमें गिविंग है 34,000. परचेज गिविंग है हमें 1,22,000. सेल्स हमें गिविंग है आपको 1,80,000 की. फिर क्लोजिंग स्टॉक हमें गिविंग है 30,000.
उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,10,000 इधर का टोटल, क्रेडिट साइड का इधर 2,10,000, 2,10,000 माइनस 34,000 माइनस 1,22,000, 54,000 रुपीज़ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 54,000 ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसको रेट ऑफ जीपी निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा, इसकी अमाउंट कैलकुलेट होगी 54,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100। रेट ऑफ जीपी हमारा कैलकुलेट हो गया 30% क्वेश्चंस में। इसके बाद हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, उस साल का ओपनिंग हो जाएगा 30,000, 30,000। टू परचेज हमें क्वेश्चन में गिविंग है 1,47,000, 1,47,000। बाय सेल 1,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने इसका रेट निकाला था 30%, तो 1,50,000 का 30%, डेट इज़ 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़ आ गया। अब हम क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर 30,000 प्लस 1,47,000 प्लस 45,000, 2,22,000। 72,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। रेट ऑफ जीपी हमारा आ ही गया है, अब हम कैलकुलेट करेंगे हम अमाउंट ऑफ क्लेम, इसमें हमें पॉलिसी के अमाउंट क्वेश्चंस में गिविंग है। पॉलिसी के अमाउंट स्टॉक सेव हमारा 18,000, पॉलिसी के अमाउंट 60,000, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी पहले अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस निकालेंगे। एक्चुअल लॉस हमारा कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर हमारा आ गया 72,000। फिर इसमें से लेस कर दीजिए साल्वेज वैल्यू हमें गिवन है हमें 18,000 की। क्वेश्चंस में साल्वेज वैल्यू हमें गिविंग है 18,000 की गिविंग है। ये स्टॉक सेव किया गया हमारा, तो 54,000 रुपीज़ एक्चुअल लॉस आ गया। ये हमारा हो गया एक्चुअल लॉस। अब अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम, इसका फॉर्मूला है हमारा, अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला लगेगा हमारा एक्चुअल लॉस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, राइट। एक्चुअल लॉस हमें क्वेश्चंस में यहाँ पे गिविंग है, एक्चुअल लॉस है हमें 54,000,
क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर 72,000, अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिविंग है 63,000, ये भी क्वेश्चंस में आपको गिविंग होगी हमेशा 63,000। हमारा फोर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ का हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट हो गया। राइट, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट वाले क्वेश्चन सीखेंगे, पार्ट टू के अंदर। थैंक यू।